गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और सुबह हो चुकी है और मैं नहा चुकी हूँ, मैं पूजा भी कर चुकी हूँ। ये देखिए, मंदिर में भी और तुलसी जी की भी मैं पूजा कर चुकी हूँ। और आप सब कैसे हैं? और आज आप दिन भर क्या क्या करेंगे मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं आज दिन भर क्या करूँगी मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए, स्टेला मैडम देख रही हैं। ये सब जो आप ये हालत देख रहे हैं ना, ये पैंथर और स्टेला ही की है ये दोनों। तो चलिए चाय बना के मिलती हूँ मैं आपसे। बाय बाय फ्रेंड्स। मुझे अकेले बैठ के, सुबह मतलब आराम से बैठ के चाय पीने में बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ मैं जल्दबाजी में ऐसे खड़े खड़े भागते भागते चाय ना पीऊँ। मतलब वैसे मैं टी लवर नहीं हूँ, मुझे चाय वाय बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी पीऊँ, आराम से बैठ के बेड पे, और उसके साथ ढेर सारी चीज़ें खाने पीने के लिए, तब मुझे अच्छा लगता है। चाहती हूँ मैं खाली चाय नहीं पीती हूँ। आप सब लोग भी ध्यान दे दीजिए गाइस, मैं आपके घर आऊँगी ना तो मुझे ढेर सारी चीज़ें दीजिएगा खाने के लिए। गायत्री को लेट हो रहा है आने में, तो मैंने सोचा कि मैं नाश्ता ही बना दूँ। तो आज नाश्ते में मैं सिंपल पोहा बना रही हूँ। रोज़ रोज़ सोचते हैं क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, फिर इसलिए हम जा रहे हैं पोहा बनाने। मिलते हैं आपसे पोहा बना के, तब तक वो आएगी अपना और काम करती रहेगी। मिलती हूँ आपसे पोहा बना के। तो फ्रेंड्स, मैंने नाश्ता बना लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ पोहा। ये देखिए, अभी मैं इसमें धनिया वगैरह डाल के और भी कलरफुल और टेस्टी बना दूँगी। और इधर मैं एग बॉईल कर रही हूँ खाने के लिए। अब चार मैं नहीं खाऊँगी, एक ही खाऊँगी बस। ये देखिए, अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स। मैं पैंथर को अंडा दिखा के मैं उसको बोलती हूँ कि मैं तुमको अंडा दूँगी। वैसे तो मैं उन लोग के लिए अंडा उबाल रही हूँ, लेकिन उसका एक्साइटमेंट देखिए अंडे के लिए। पैंथर बेटो बेटो, अंडा अंडा। अंडा चाहिए चाहिए बेटू, देंगे अंडा? आप तो मेरे राजकुमार हैं, राजकुमार को अंडा देंगे? आ बेटू, भी बॉयल हो रहा अंडा, देंगे बेटू को हम देंगे। इतना थुक्कू काहे निकाल लिया तू, कितना लालची है। अंडा। तो दोस्तों, मैं भी अब नाश्ता कर रही हूँ, नाश्ता करने आ गई हूँ। उन लोग को बांधना, खोलना, छत पे छोड़ना, पॉटी चूसू, ये सब भी देखना। तो अब मैं आ गई हूँ और नाश्ता करने के लिए मैं नाश्ता कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पोहा चाय। खाने वाने का तो बाद में देखेंगे कि क्या बनाना है, क्या खाना सोचेंगे। वैसे हम सोचे हैं कि आज हम बनाएं वो भरी वाली बाटी और चोखा, बाटी चोखा बनाएं आज। लेकिन पापा को ज़्यादा पसंद नहीं है, हम अपने लिए बाटी बना लेंगे, पापा के लिए पराठा बना देंगे। देखते हैं क्या होता है, पसंद आता है कि नहीं। चेंज कर करके खाना चाहिए, रोज़ रोज़ वही एक ही चीज़, रोटी सब्जी सब्जी, रोटी रोटी सब्जी नहीं करना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चेंज कर करके बनाऊँ, मैं नाश्ता भी चेंज कर करके ही बनाती हूँ। तो जब मैं बाटी चोखा बनाऊँगी तो मैं मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो मैं खाना बना चुकी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वही जो सुबह आपको बताया था कि मैं बाटी और चोखा बनाऊँगी। पापा को शायद बाटी थोड़ा पसंद नहीं है, तो मैं उनके लिए पराठा बना दी हूँ, मतलब वो भर के सत्तू। तो आइए चलिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है चोखा, टेस्टी टेस्टी चोखा। और ये देखिए, ये बाटी है और पराठा, मुझे बहुत पसंद है बाटी चोखा। ये सब चीज़ें मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, ये सब चीज़। मुझे तो बहुत सारा चीज़ पूछना था मम्मी से, बहुत सारी रेसिपी पूछनी थी मम्मी से, बट अब मेरी मम्मी है नहीं, मुझे लगता है कि अब मैं किससे पूछूं। मम्मी की बहुत याद आती है मुझे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और
मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, कल मिलते हैं।